आज मैं आपसे बस एक बात साझा करना चाहता हूँ, एक बात, बस एक बात जो आपको समृद्धि दिलाएगी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। कितने जाना चाहिए? बस एक बात जो आप कर सकते हैं, और मैंने ये सीखी थी जब मैं 14 या 15 साल का था, आप माने या ना माने, परमेश्वर ने कई बातों में से एक जो मुझे सिखाई थी वो ये है सत्य, कि अगर तुम ये एक चीज करोगे तो तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध हो जाओगे। सबसे पहली बात कि यूसुफ के जीवन की ओर देखें, कुछ लोग जो मेरे साथ शामिल हुए वो कहते हैं कि पास्टर प्रिंस ये सारी समृद्धि और सब जो हम सोच रहे हैं वो है पैसा पैसा सिर्फ पैसा। मैं पैसे के संदर्भ में समृद्धि की बात नहीं कर रहा, शायद इसमें पैसा शामिल हो, पैसा इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। जब प्रभु कहते हैं तुम समृद्ध हो, इस आदमी की तरफ देखो, वो एक गुलाम था एक मिस्री के घर में, और उसका नाम था यूसुफ, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया पुराने किंग जेम्स में। ये नया किंग जेम्स संस्करण है, वो एक सफल पुरुष था और वो अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। याद करें इस समय आप उसे कहां देखते हैं, वो उस घर में आया ही था, उसे बेचा गया था एक गुलामों की मंडी में। मैं ये मान नहीं सकता कि उसके पास कुछ भी था जिसे वो अपना कह सकता था। चाहे आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं हो, कोई बचत खाता नहीं हो, कोई शेयर वेयर भी नहीं हो, या कुछ भी अच्छा नहीं हो, कुछ भी ना हो, आपकी शादी भी ना हुई हो, अंत में सब मिलेगा। अगर प्रभु आपके साथ है आपको सब कुछ मिल जाएगा, आमीन। और बाइबल में लिखा है, और जो वो काम करता है उसे यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, और जो वो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और ये शब्द जो सफल है वो शब्द है सालियाक। जी हाँ, सालियाक, सालियाक। और सालियाक का मतलब है इस तरह सफल होना कि तोड़ के बाहर आ जाना। आप उस पानी की तरह हैं जो डैम तोड़कर बाहर आ जाता है। यह है आगे बढ़ना, ये यही शब्द इस्तेमाल किया गया है सारी जगहों पर। और सफल होने के लिए ज्यादातर इब्री शब्द पुराने नियम में, और राइट इब्री में ये शब्द है, पुराने नियम में इब्री में इसे कहते हैं सालियाक। और यहां तक कि जब परमेश्वर का आत्मा शमसून पर उतरता है, ध्यान से पढ़िए, इब्री में परमेश्वर का आत्मा शमसून पर सालियाक होता है उसे सफल बनाने के लिए, और उसने शेर को चीर कर रख दिया, और राइट किसी भी मकसद के लिए। आमीन। मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करना चाहता हूं कि सालियाक का ये अभिषेक आप पर आए। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये शब्द सालियाक सफल इस्तेमाल किया गया है बाइबल के एक और शास्त्रांश में, और इस बार हम ये देख सकते हैं कि मेरा मतलब क्या था, हर चीज सफल हो। इस वचन को देखें, जो काम वो करता है उसके हाथ से सफल कर देता है। चलिए इसे पढ़ें, जो काम वो करता है सफल हो जाता है या वो करती है। यह है पुराना किंग जेम्स, जो तू करता है वो सफल होता है। जो का मतलब है जो कुछ भी स्वीकार नहीं, आमीन। यहां तक कि तुम्हारी गलतियां भी सफल होती हैं, आमीन। मेरा मतलब यहां तक कि तुम्हारी गलतियां भी सफल होती हैं, तो वो जो भी करता है वो जरूर सफल होगा। परमेश्वर शब्द जाया नहीं करते हैं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपना वचन निभाते हैं, वो आपको सब कुछ देते हैं। परमेश्वर की महिमा होती है जब उनके लोग उन्हें आदर देते हैं और कहते हैं मैं सहमत हूं जो भी हूं, क्या मुझे शामिल मिल सकती है। तो ये जो भी यहां है, एक वचन जो इस वचन से लिया गया है वचन संहिता 1:3 में, और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब इस शब्द को अपने हृदय में विश्वास की एक छवि बना लेने दो। ऐसी दुनिया में जहां इतनी अधिक छवियां हैं गंदगी और गरीबी की और आतंकवाद की और अंधकार की, वहां बाहर जो आपको मीडिया दिखा रहा है और वो सब परमेश्वर के वचन को विश्वास की छवि बना लेने दो। आप वो छवि बना लेने दो कि आप संतान हैं ईश्वर के, आप एक वृक्ष की तरह होंगे जो पानी की नालियों पर लगाया गया है। नालियां बहुवचन है, एक नाली कमजोर पड़ जाती है या कमजोर हो जाती है अपने बहाव में तो एक और नाली बह रही है। जी हाँ, एक और नाली है जो बह रही है, वहां पानी की नालियां हैं आपको जीवित रखने के लिए, जो अपनी ऋतु में फल लेकर आता है, उसके पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे। मेरे ख्याल से आपको इन लोगों को जानने की जरूरत है कि चाहे संसार सूखे से जूझ रहा हो, जहां आप हैं यदि वहां पानी की नालियां आपके आसपास बह रही हैं, आप समृद्ध होंगे, आपके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। और हमने ये देखा है, बहुत वक्त नहीं हुआ जब मैं इसराइल में था, और ये 2010 की बात है, मैंने ये होते हुए देखा टेल डैम में, जब असल में बहुत सी अन्य जगहों पर बहुत गर्मी थी और आप जानते हैं वो सूख जाती है, पर टेल डैम में वहां पर पानी की नालियां बह रही थी। इतना ही नहीं कि मैंने खुद का ये चित्र देखा उस आशीषित व्यक्ति की तरह जो पानी की नालियों पर उगा था। मैंने अपने कैमरामैन में से एक को ये उतारने को कहा, असल में मेरा मतलब इसे अपना निजी चित्र बनाने का था, और ये वो चित्र है जो शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये इसराइल में है टेल डैम पर बिल्कुल उत्तर में, और देखिए पानी की नालियां बस बहती हुई, और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी हरियाली है, हर जगह बस हरियाली ही हरियाली है। आमीन। ये उस वृक्ष के समान होगा जो पानी की नालियों पर लगा है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, हमेशा समृद्ध होते हैं। आमीन। अब समय कम है, चलते हैं यहोशू 1:8 पर, जो बताता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। क्या अभी भी मैंने आपको इसका हल वचन में नहीं दिखा? चलिए उससे पहले के वचन पर चलते हैं। हल ये है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। एक बात जो आपको करनी है जो आपको सफल बनाएगी, वो जो कुछ भी करता है सफल होता है। ध्यान लगाइए, जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो ये संभव नहीं कि आप अपनी बाइबल पढ़ें तो डेली डिवो पढ़ें,
ऑलराइट, और फिर पूरा दिन भर अपना चित्त बाइबल में लगाएं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं आगे भिड़ जाएं या किसी और से टकरा जाएं, आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको ये करना है कि अपनी डेली डीवो का छोटा सा भाग लें और वहाँ ये वचन है उसे मेज़बानी करें और पूरा दिन भर अपनी दबी सांस में उसे बड़बड़ाएं। क्योंकि वो जो शब्द है ध्यान लगाना, यहाँ वो शब्द है बड़बड़ाना। ऑलराइट, बड़बड़ाने का मतलब है स्वयं से बात करते हैं, जैसे 2×2=4, 3×2=6, 4×2=8, 5×8 मतलब ऐसे ही बड़बड़ाना है जैसे कि आप खुद से बात कर रहे हो। आमीन। परमेश्वर ने मुझे सिखाया था जब मैं 14 या 15 साल का था, इसने मेरी जिंदगी को बना दिया, परमेश्वर के अनुग्रह। और इससे पहले कि मैंने अनुग्रह के बारे में सीखा, मुझे अंधकार की तराई में से गुजरना पड़ा और दूसरी ओर निकला अनुग्रह के बारे में सीखकर। पर उससे भी पहले एक कारण कि मैं अनुग्रह को समझ पाया, क्योंकि मैं उन वचनों पर ध्यान लगाता था जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखे थे। पर फिर हमारी कलीसिया में थोड़ा सा ठहरा दौर आया और वहां चुनौतियां थी, आर्थिक चुनौतियां थी इस जगह को बनाने के लिए, और मैं उलझा था इन सब मांगों में जो मुझ पर डाली गई थी, और मैं पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, और मैं अंदर से जानता था कि मुझ में क्षमता नहीं है, मैं बस एक इंसान हूँ। पर मैंने चिंता करने के बजाय वचन पर ध्यान लगाना शुरू किया, और मैंने ध्यान लगाया वचन संहिता अध्याय 1 पर कि मैं ही वो धन्य पुरुष हूँ। और मैंने इतना कुछ देखा कि उस साल जब हम इसराइल गए, मैंने उसका चित्र उतारा, वो जो आपने अभी भी देखा। हम एक पर्वत पर गए थे, उस पर्वत पर जो गलील में सबसे ऊंचा पर्वत था, गलील की झील के पास अर्बल पर्वत, और वहां कहीं नीचे सड़क पर दाई ओर हम गुजरे तो हमने देखा एक बहुत बड़ी गुफा। वैसे हम उस रास्ते से नहीं जाते हैं क्योंकि वो कठिन उतराई है, और पता है उस बड़ी सी गुफा के अंदर कौन था? मैं ध्यान लगाया करता था, और मैं ध्यान लगाने के महत्व को दोहरा रहा था, और मैं ध्यान लगा रहा था भजन एक पर, राइट। और उस गुफा में थी एक गाय, और वो गाय बैठी हुई थी भाई साहब देखते हुए अजनबी, और वो जुगाली कर रही थी। और एकदम अचानक जब मैंने उसे देखा, ये ऐसा था जैसे एक आए मुझे याद आ गया हो, अब एक जुगाली करने वाला पशु, चाहे वो भेड़ हो, गाय हो या बकरी हो, वो जिसके अंदर चार कंपार्टमेंट होते हैं, चार पेट की बात नहीं हो रही है। लोग कहते हैं गाय के चार पेट होते हैं, लेकिन नहीं, गाय के चार कंपार्टमेंट होते हैं। तो जब वो घास अंदर लेती है पहले कंपार्टमेंट में, और सभी जुगाली करने वाले ये घास से बैक्टीरिया के साथ मिलती है, फर्मेंटेशन शुरू होती है, ओके, और फिर वो उसे ऊपर लेकर आता है, फिर उस रॉन्ग को दोबारा चबाता है, वो अंदर जाता है, रॉन्ग का गोला दोबारा ऊपर आता है और वो उसे चबाएगी। इसी तरह आपको मलाई मिलती है आपके दूध में, और फिर दूसरे कंपार्टमेंट के बाद वो उसे ऊपर लाती है, और फिर तीसरे कंपार्टमेंट में लाती है। ये बहुत दिलचस्प है, जहां रॉन्ग से सारा पानी निकल जाता है। ये मुझे बताता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता हूँ, उसे दोबारा ऊपर लाता हूँ, फिर उसे चबाता हूँ और अंदर ले जाता हूँ, और फिर उसे चबाते हुए ऊपर ले आता हूँ, वो हमेशा कुछ खाने होते हैं, पलों के, जहां आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। लोग कई बार बोर हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, उन्हें ध्यान लगाना चाहिए, वो आपको उन सबसे मुक्त कर देगा, सारी परेशानियां धराशायी हो जाएंगी, आपका पुनर्जागरण होगा, आप सच कर रहे हैं खुद अकेले। आमीन। आप इसे दोबारा ऊपर ला रहे हैं, जो आपने खाया है आप उसे दोबारा ऊपर ला रहे हैं, और अब तीसरा पेट, तीसरा कंपार्टमेंट सारा रस निकाल लेता है उस जुगाली का। हर चीज जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर ध्यान लगाएं जब तक कि आप पूरा रस चूस न ले पोषक तत्व परमेश्वर के वचन से। उनका वचन कभी ना खत्म होने वाला है, ये ऐसा जैसे आप निचोड़ते हैं आत्मा को वचन से, वो अभिषेक। और चौथा वाला है साधारण पेट, ये चला जाता है मल के साथ। तो ये थी वो गाय जो हमने देखी, राइट, ये जुगाली कर रही है, राइट, ये कुछ समय के लिए रुकेगी और दोबारा चबाने लगेगी, फिर ये दोबारा ऊपर लाएगी, आप देख सकते हैं ये दोबारा इसे ऊपर लाती है, ऑलराइट। ऑलराइट चर्च, यहां देखें, हम सब नीचे गए और वहां सब जगह गायें थी। ये पहली बार हुआ, मैं कई बार इसराइल गया था पर मैंने कभी इतनी सारी गायें नहीं देखी, और वो सब चबा रही थी, चबा रही थी, चबा रही थी, बस चबा रही थी, चबा रही थी, चबा रही थी, जैसे परमेश्वर कह रहे होंगे अगर तुम्हें अब समझ में नहीं आता तो कभी नहीं आएगा। ध्यान लगाना वापस लाए कलीसिया, ध्यान लगाना सीखे। आमीन। अच्छा प्रिंस, आपके पास ध्यान लगाने पर नए वचन है, हां ये देखिए, तीमुथियस 4:15, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पे अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति हो। कितने लोग उन्नति चाहते हैं? ये सब पर प्रकट हो। यहाँ शब्दों पर खेला गया है, शब्द है मे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन, मतलब इनसाइड, ग्रीक में मतलब है इनसाइड, तुम्हारी उन्नति सब में शायद प्रकट हो। सब में का क्या मतलब है? तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रुपए पैसे में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में तुम बस उन्नति कर रहे हो। वो दिखेगा, वो प्रकट होगा, तुम्हें प्राप्त होगा। ये प्रकट होने के बारे में है जो आपके अंदर है। आप इसे कैसे प्रकट करते हैं? कि आपकी उन्नति सबके सामने प्रकट हो जाए। जी हाँ, सबके सामने प्रकट हो जाए। अब मैंने जितने भी संस्करण पढ़े हैं, ऑलराइट, यहाँ लिखा है कि सब में, ताकि सब देख सके, ये सब के लिए प्रकट हो। ये इतना स्पष्ट है कि सब इसे देख सकते हैं, पर न केवल ये, ग्रीक के कारण यहाँ लिखा है तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में और साथ ही साथ सब पर। क्या ये अद्भुत नहीं है? मैंने आपको एक हल बताया था और हर क्षेत्र धन्य हो जाता है। एक हल, और वो ध्यान लगाना शिक्षा पर, सिद्धांतों पर, और अगले वचन में लिखा अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर सिद्धांतों की, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। रुक जाइए, ये तीमुथियस को लिखा जा रहा है जो एक पास्टर है, वो तीमुथियस को लिख रहा है जो सच में उद्धार पा चुका है। उसने क्यों कहा, यदि तू मेरे उपदेशों पर चले, उन पर ध्यान लगाए
तू दोनों को उद्धार दिलाएगा, स्वयं को और जो भी सुनते हैं। इसलिए ये शब्द उद्धार नरक से बचाना नहीं है, क्योंकि ये शब्द उद्धार बहुत ही समृद्ध शब्द है। सुसमाचारों में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है चंगाई, सलामती, सुरक्षा के लिए। अगर तुम ध्यान लगाते हो और तुम ध्यान लगाने की शिक्षा देते हो, ऑलराइट, तुम इन उद्देश्यों की चौकसी करोगे, इन पर ध्यान लगाए रहोगे, तुम दोनों का उद्धार करोगे, स्वयं का प्रचारक, तुम स्वयं को चंगा करोगे प्रचारक, और दूसरों को भी करोगे, दूसरों को सफल करोगे, दूसरों को सलामत रखोगे। और सब लोगों ने कहा आमीन। और आप कहते हैं ओह बाय द वे मैंने ओल्ड किंग जेम्स सुना, क्योंकि केवल ओल्ड और न्यू किंग जेम्स ही शब्द इस्तेमाल करते हैं ध्यान लगाना, कुछ नया अनुवाद इस्तेमाल करते हैं। इस पर मेहनत करें, इन सब चीजों पर। एक और भी लिखा है इन बातों में वफादार रहें। ये दुर्भाग्य है कि मैंने ध्यान लगाना शब्द ही बदल दिया। मैं बताता हूँ यहाँ पर ध्यान लगाना शब्द क्यों है। मैंने आपको बताया था कि ध्यान लगाने के लिए एक भी शब्द है हागा, बड़बड़ाना, राइट। ध्यान दीजिए, भजन 2 में लिखा है कि क्यों छुपा हागा एक बेकार चीज है, और सत्यजन में जो पुराने नियम का ग्रीक संस्करण है ये लिखा है क्यों गुप्त में मिललाय करता है। ये वही शब्द है यहाँ ध्यान लगाने के लिए। क्या आपको पता है ये वचन व्यवस्था की ये पुस्तक, यहोशू 11 व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, तुम्हारा चित्त तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारा मुंह इसे सारा समय बढ़ाता रहे और दिन भर इसी पर ध्यान देता रहे, तो इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे सलयाक, और तू प्रभावशाली होगा। अच्छी सफलता, बुरी सफलता नहीं, सफलता जो आपको आपके परिवार से दूर ले जाती है वो बुरी सफलता होती है, अच्छी सफलता। समय आ गया है अपनी सफलता का स्वाद चखने का, आशीषित होने का समय आ गया है। अब इसे देखिए, बड़बड़ाना, भागा, मुझे क्या, वहां एक सेप्टोजेन है ग्रीक संस्करण इस वचन का, और मैंने इसे देखा है, और ग्रीक संस्करण भी ठीक यही कहता है जो तिमोथियस में कहा गया है ध्यान लगाने के बारे में। ओके, प्रभु की स्तुति कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रभु का ध्यान लगाएं, ध्यान लगाएं। मैंने अभी अभी आपको दिखाया है नए नियम का काउंट पार्ट, और अब मैं इसे समाप्त करूंगा जो मैंने अभी भी आपसे साझा किया है, कुछ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको एक कुंजी देने वाला हूं आशीष ने। तो सबसे पहले व्यवस्था विवरण 11, हम नीचे तक आ जाएंगे अंतिम वचन पर, वचन 21, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। पिताओं जरा नोट करो, कितने चाहते हैं कि तुम्हारे साथ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं वो ये नहीं चाहते। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको हथियाना होगा ना कि बस वहां बैठे रहना और कुछ ना कि जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, ये इस तरह नहीं होता। आप चाहते हैं कि आप दीर्घायु हो, कहिए आमीन। उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, जी हाँ आपके बच्चे, जी हाँ आप क्या चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो, आप चाहते हैं कि वो ज्यादा जिए। हाँ पास्टर प्रिंस, देर तक जीना अच्छा है पर इक्वालिटी होना चाहिए। रुको, मैं अभी समाप्ति पर नहीं आया, रिलैक्स, होल्ड ऑन, ओके। इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा कि मैं तुझे दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वो भी बह रहे। कैसा रहेगा? न केवल दीर्घायु, कई गुना बड़े दिन, पर हर दिन हो जैसे स्वर्ग का दिन, धरती के ऊपर कई गुना बड़े दिन। अब ये कितने लोग चाहते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए? बताओ, नोट्स ले लो, आप इसे कितने सचमुच ऐसा चाहते हैं? आमीन। अब ये मैंने नहीं कहा है, ये परमेश्वर का वचन है, ये अमित है। वो कहते हैं तू और तेरे बच्चे दीर्घायु होंगे, न केवल लंबी आयु होगी पर ये स्वर्ग जैसे दिन होंगे धरती पर। रहस्य क्या है, क्या है रहस्य? मैं समाप्त करूंगा, पीछे चले, पीछे चले, पीछे चले। ऑलराइट, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। आप परमेश्वर का वचन अपने मन और प्राण में कैसे धारण करते हैं? आप इन पर ध्यान लगाते हैं, आप इन पर ध्यान लगाते हैं, राइट। पास्टर प्रिंस, मैं परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों के जीवन में कैसे लाऊं, खासकर बच्चों में? अपने बच्चों को सिखाया करना, अपने बच्चों को सिखाया करना, अपने बच्चों को सिखाया करना। अब आप कहते हैं पास्टर प्रिंस ये तो प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चों को बैठने के लिए कहता हूँ, अपने बेटी को बैठने के लिए कहता हूँ, वो परमेश्वर के वचन में इंटरेस्टेड नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते फिरते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। यहाँ यही लिखा है, ये आप समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं? अपने बेटे को मुझबानी याद कराने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, हालांकि अगर आप ऐसा कर सकें तो आगे बढ़िए। चलिए मैं रिपीट करता हूँ, फिर से देखते हैं। ये नहीं कहता है कि आप अपने बच्चों को सिखाइए, वो कह रहा है कि अपने बच्चों को सिखाइए, ये करते हुए ये कहता है कि बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाइए। जब आप घर में बैठे हो परमेश्वर की बात करके, जब आप चहलकदमी कर रहे हो घर में तब कुछ कहके, जब आप बैठे हो या फिर उठ रहे हो। क्या मतलब इसका? मानते हैं मैं भजन संहिता 23 पर ध्यान लगा रहा हूं, मुझे अपने बेटे को इससे मुझमान याद कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। पर ज्यादा अहम ये है कि जब वो छोटे होते हैं, ऑलराइट, उनकी मौजूदगी में प्रभु के बारे में बात कीजिए। जब आप लेटते हैं, जब आप उठते हैं, जब आप बैठते हैं घर के अंदर, जब आप चलते हैं, परमेश्वर के वचन की बात करें। आपको कहते सुने, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे पास सब है जो मुझे चाहिए, मुझे कुछ घटी ना होगी। ए, तुम्हें पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं खुलकर इस पर ध्यान लगाता हूँ अपने बच्चों के सामने, उन्हें सिखा नहीं रहा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं। जब कुछ अच्छा होता है तो मैं कहता हूं प्रभु की स्तुति, नॉनसेंस का जिक्र करता हूं। आप में से उनके लिए जो गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, यहां इब्री का, आप उन्हें इब्री में सिखाएंगे। और यहां पर लिखा है कि दाएं से आप उन्हें सिखाएंगे अलिफ टफ, ये यीशु का हस्ताक्षर है। अलिफ पहला अक्षर है, टफ अंतिम अक्षर है,
और ये अनुवादित नहीं है क्योंकि ये हस्ताक्षर है, ये एक साइन है। अब प्रकाशित वाक्य में यीशु ने यूहन्ना से कहा, मैं ही हूँ अल्फा और ओमेगा। अब अल्फा और ओमेगा ग्रीक है, वर्णमाला में ए टू जी, ऑलराइट। पर यीशु ने अपने साथी इब्रियों से अंग्रेजी या ग्रीक में बात नहीं की होगी, साथी यहूदियों से, राइट, अपने चेलों से। उन्होंने क्या बोली होगी? इब्री। उन्होंने कहा होता, मैं हूँ अल्फ और मैं ही हूँ टा। तो रात से पर्दा उठ गया, आप अपने बेटे से किसकी बात करते हैं? आज्ञाओं की नहीं, उन्हें सिखाएंगे यीशु के बारे में। जब अच्छी बात हो तो कहिए, यीशु ने हमारे लिए किया, आमीन। जब वो रो रहा हो उसे कहें, चिंता ना करो, यीशु तुम्हारी देखभाल करेंगे, आमीन। यीशु के पास तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है, यीशु के नाम का इस्तेमाल करो। जब तुम बैठो, जब तुम उठो, ये उन्हें जल्दी सिखाने का मामला नहीं है, ये मामला है उनका तुम्हारी तरफ देखने का। और बच्चे बहुत बहुत संवेदनशील होते हैं, वो बता सकते हैं कि कब माँ कम चिंतित है, वो बता सकते हैं कि डैडी कब बहुत ही ज्यादा कूल है, वो बता सकते हैं जब आप उसे तुम में बात करते हैं, आमीन। हम उस वचन पर चलते हैं, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, ये रोजमर्रा हो जब आप लेटे हैं जब आप उठे, आमीन। और अवश्य ही भलाई और अनुग्रह हमेशा आपके पीछे आएंगे, जस्ट भलाई और अनुग्रह हमारे पीछे करेंगे, जैसे डॉगी पीछे आता है, भलाई और अनुग्रह हमारे पीछे आएंगे, आमीन। आप जहां भी जाएंगे, अब्बा सोच रहा है, बाइबल में लिखा है भलाई और अनुग्रह हमारे पीछे लग जाएंगे, चिंता मत करना, वो हमारे पीछे ही है, एक रोजमर्रा की बात है जो आप उनसे कह सकते हैं, आमीन। और फिर बाइबल में लिखा है, उसके कारण वचन 20 में इन्हें अपने घर के चौखटों और फाटकों पर लिखना, बाय द वे ये शब्द है मेजूजा, चौखट के बाजू, और अपने घर के फाटकों पर, वहां ही ये होता है। और पता है इसराइल के जिस भी होटल में आप ठहरेंगे वहां पर ये होता ही है, और ये आधारित है उस वचन पर, ऑलराइट। अब अपने फ्लैट पर जाकर अपने घर के दरवाजे पर ये वचन लिखें, क्योंकि दरअसल ध्यान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए एक बार फिर से, तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, जब आप ये करते हैं आपके आयु के दिन बढ़ जाते हैं, ये चीजें करें ताकि आपकी आयु बढ़ जाए और आपके बच्चों की आयु बढ़े, आपके बच्चे दीर्घायु, आप उन्हें खिलाते हैं, राइट, उन्हें पहनाते हैं, राइट, बीमार होते तो दवा देते हैं, आप उन्हें सप्लीमेंट्स भी देते हैं। जो सबसे बड़ी चीज आप कर सकते हैं वो है स्वयं ध्यान लगाने वाला बनाना, फिर आपकी आयु के दिन बढ़ेंगे, आपके बच्चों के आयु के दिन बढ़ेंगे। बस उससे पहले जॉश मिडल गुजर गए 92 या 93 की उम्र में, उनसे एक सवाल पूछा गया था, आपके लंबे जीवन का राज क्या है? उन्होंने कहा, परमेश्वर वचन की स्वास्थ्य लाभ दिलाने वाली शक्ति, हर दिन मैं वचन पढ़ता हूं, उन्होंने कहा। और बहुत से 100 साल जीने वाले लोग हैं यूट्यूब पर, मैंने अपना समय लगाया उनकी गवाही सुनने के लिए, उनमें से बहुत से लोग मसीही हैं, और उनमें से कई लोगों ने कहा कि मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ, 100 साल क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल से वहां एक यहाँ है जागरण, शुद्धिकरण, पुनर्जीवन, कायाकल्प, समृद्धि, सद्गुण परमेश्वर के वचन में। और शैतान आपको रोकना चाहता है परमेश्वर वचन पाने से, कोई भी इसे रोक ना पाए, आमीन। मैं जानता हूं आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, पर आपको थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपने डेली डिवो के लिए, इसे पढ़िए, रोजाना का ध्यान याद करें और पूरा दिन इस पर ध्यान लगाएं। जब चिंताजनक विचार आते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बढ़िया स्लीपिंग पिल है, जब आप सो नहीं पाते हैं, शैतान कुछ रखता है, कहिए अच्छा अब मैं ध्यान लगाऊंगा, और उसका भी रिलैक्सिंग प्रभाव होता है प्रभु का वचन, इससे पहले कि आप जान पाए आप तकिए पर सो जाते हैं, आमीन। काश आपके साथ हो, काश आप वो स्त्री या पुरुष हो जो बहते पानी की नालियों पर लगाए गए हैं, जो ऋतु में अपना फल लाता है, आपके पत्ते हमेशा हरे हो और वो कभी मुरझाए नहीं, और काश कि आप जो भी करें उसमें सफल हो, आमीन। प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। दोस्तों, आपके जाने से पहले मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकते हैं, अपनी जिंदगी को हल्के में ना ले, चाहे जीका हो, कोई मच्छर हो, चाहे कोई आतंकी हो, चाहे कोई ऐसा हो जो आपको धोखा देना चाहता है, परमेश्वर जानते हैं आदि से अंत तक और अंत को आदि से पूरी तरह से, वो जानते हैं कि शत्रु की चाल जो आपके भविष्य में है, केवल परमेश्वर ही है जिनसे आपको वास्ता रखना है, और ये परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये शानदार परमेश्वर, इसने अपने पुत्र को भेजा, उससे भी नहीं बख्शा, अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा, अपने पुत्र को भी आपके लिए दे दिया। सोचिए कितने ज्यादा बेशकीमती हैं आप, सोचिए कितने ज्यादा प्रेम किए गए हैं उस परमेश्वर के द्वारा, उसने अपना पुत्र दे दिया आपको, आपके लिए अपना पुत्र बलिदान किया। और दोस्तों, क्योंकि आप प्रभु में धर्मी हैं, वो हम सबको नर्क भेज सकते हैं और फिर भी धर्मी ही रहेंगे, वैसा करके कुछ भी गलत नहीं करेंगे, आखिर हम सृष्टि के प्राणी हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं करते, वो आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें अनंत दिया, हमें अनंत जीवन दिया, अनंत क्षमा दिया, अनंत विरासत दिया, क्या आपको वो मिली है? अगर नहीं तो मैं एक पल के लिए भी नहीं मान सकता दोस्त कि आप यहां पर आए हैं किसी इत्तेफाक की वजह से, मैं मानता हूं कि परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आए हैं ताकि आप ये संदेश सुन सकें और परमेश्वर आपके पिता बन सके। अगर आप इस वक्त कहीं पर भी ये सुन रहे हो तो अपने दिल से ये प्रार्थना करें, विश्वास करें कि मसीह आपके पापों के लिए मरे और फिर से जीवित उठे आपको उचित ठहराने के लिए। अब मेरे बात कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रति आपके प्रेम पर मुझे विश्वास है, अपने पुत्र को भेजने के लिए धन्यवाद, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं,
धन्यवाद अपने पुत्र को भेजने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो उस क्रूस पर मरा मेरे पापों के लिए, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, इस घोषणा के रूप में कि मेरे सारे पाप हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है अब और हमेशा के लिए। धन्यवाद हे पिता, मैं अनंत तक क्षमा हुआ, अत्यधिक धन्य हुआ, गहरा प्रेम हासिल हुआ, मैं अत्यधिक अनुग्रहित हुआ। मैं आपसे प्रेम करता हूं पिता, क्योंकि पहले आपने मुझे प्रेम किया। मैं पूरी अपेक्षा करता हूं कि ये साल मेरा सबसे बढ़िया साल होगा। यीशु के नाम पर, और सब लोगों ने कहा आमीन आमीन आमीन।